श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, जो इसे जाने क्षेत्रज्ञ वो माना जाता है। समस्त शरीरों का ज्ञाता मैं अर्जुन समझो ज्ञान, जो शरीर ज्ञाता को जाने उसको ज्ञानी जान। कर्म क्षेत्र क्या बना है, कैसे क्या परिवर्तन होते, कौन जाने प्रभाव इनका कहां से उत्पन्न होते। क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र क्या है, दिया ऋषियों ने भी ज्ञान, वेद मंत्रों में विभागों में ब्रह्म सूत्र में भी है बखान। पांच महाभूत दस इंद्रियां मन और इंद्रिय विषय, अहंकार बुद्धि रस रूप स्पर्श और गंध में, इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना और ध्रुति, इतने विकारों सहित स्थिति कही गई क्षेत्र की। दंभहीन विनम्र और सहनशील अहिंसा, गुरु आदर पवित्र दृढ़ आत्म संयमता, इंद्रिय विषय अहंकार और जन्म मृत्यु का विचार, वृद्धावस्था और रोगों के दुख का रखे अभाव, स्त्री घर धन आदि में आसक्ति का अभाव, प्रिय और अप्रिय प्रति चित्त रहे समभाव, अनन्य भाव से शुद्ध स्थान में करे जो मेरी भक्ति, विषयासक्त मनुष्यों से करे ना वो दोस्ती। अध्ययन और तत्व ज्ञान से प्रभु को जो देखता, उपरोक्त सभी ज्ञान है अर्जुन मैं ऐसा कहता। जो जानने के योग्य है जिसे ज्ञान हो परमानंद, ना सत है ना असत ही कहूं अनादि वो ब्रह्मानंद। हाथ पैर मुख नेत्र उसके चारों तरफ ही होते, क्योंकि इस संसार में सबको व्याप्त है वो होते। इंद्र
इंद्रिय विषय को जानता है, इंद्रिय रहित वो निर्गुण है पर गुण भोगे है, आसक्ति रहित वो। बाहर भीतर व्याप्त है, चर अचर में है, वही सूक्ष्म है और स्थिर है, समीप भी और दूर भी। विष्णु रूप पालन करे, रुद्र रूप संहार, ब्रह्मा रूप में वही तो है सबका रचनाकार। ज्योतियों की ज्योति है वो, माया से भी परे, बोध स्वरूप तत्व ज्ञान से वो हृदय में वास करे। क्षेत्र ज्ञान और ब्रह्म स्वरूप को इस तरह से समझाया, जिसने तत्व से इसको जाना उसने मुझको पाया। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तू अनादि जान, सब गुण और विकार उत्पन्न प्रकृति से मान। कार्य और कारण को उत्पन्न ये प्रकृति करती, और जीवात्मा सुख दुख के भोग की हेतु होती। प्रकृति में स्थित ही पुरुष उत्पन्न पदार्थों को भोगता, इन गुणों के संग के कारण योनियों में जन्म लेता। देह में स्थित आत्मा ही परमात्मा है होती, उपद्रष्टा अनुमंता भरता महेश्वर वही भोक्ता होती। इस प्रकार पुरुष व प्रकृति को तत्व से जो जानता, वो सब कर्तव्य करता फिर भी पुनर्जन्म नहीं लेता। सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान कर कुछ प्रभु को हृदय में देखते, कुछ ज्ञान योग कुछ कर्म योग से उसको प्राप्त है करते। परंतु कुछ पुरुष जो इन तत्वों को ना जाने, देखी सुनी पूजा करे वो भी तर जाते हैं ये माने। जितने स्थावर प्राणी उत्पन्न जगत में है होते, क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न वो होते। नष्ट होते चराचर में परमेश्वर को अविनाशी माने, सब में स्थित उसी को माने, वो यथार्थ को है जाने। जो सब में समभाव से देखे परमेश्वर को, नाश नहीं होता उसका पाए परम गति वो। जो सब कर्मों को प्रकृति द्वारा होता देखता है, आत्मा को जो अकर्ता माने वही सच्चाई को देखता है। जिस क्षण पुरुष भूतों को
परमात्मा में स्थित जाने, उनसे ही भूतों के विस्तार है, पाए ब्रह्म जो ये माने। अनादि निर्गुण होने से ये तन में स्थित होता है। हे अर्जुन, ना तो कुछ करता ना ही लिप्त होता है। जैसे सर्वव्यापी आकाश सूक्ष्म है लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में आत्मा में कोई देह गुण लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, एक सूर्य जो ब्रह्मांड प्रकाशित करता, वैसे ही एक आत्मा से सब क्षेत्र प्रकाशित होता है। क्षेत्र क्षेत्र के भेद को जो ज्ञान नेत्रों से जानते, प्रकृति से मुक्त होने वाले वो परमात्मा को है पाते। यहां ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के श्री कृष्णार्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग समाप्त।